मेरी अम्मा है वो कहती हैं कि मैं आई ना मैनू लभ गई उस चीज़ से। फिर एक नौजवान मौजूद है हमारे साथ और गोल्डन पर्ल के स्टॉल से कह रहे नौजवानी चली गई है, दोबारा से कर लेते। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। एक नौजवान मौजूद है हमारे साथ और इनको हमने पकड़ा है गोल्डन पर्ल के स्टॉल से। अब इनको ये पूछते हैं कि ये क्या कर रहे थे गोल्डन पर्ल के स्टॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तसव्वुर एजाज। तसव्वुर एजाज, गोल्डन पर्ल के स्टॉल पे आपका क्या काम है? देखिए आप गोल्डन पर्ल से आप क्या करने आई हैं गोल्डन पर्ल के स्टॉल में? मैं तो देखिए इंटरव्यूज करने आई हूँ, लोगों को पकड़ पकड़ के इंटरव्यूज करूंगी। मैं आपको देख मैं जो इंटरव्यू देने आ जाता इसलिए गोल्डन पर्ल के स्टॉल पे आ खड़ा हो गया हूँ। देखिए इधर लड़कियों का काम है स्टॉल पे, वो प्यारा होना चाहती हैं, गोरा होना चाहती हैं, उनके लिए हम जगह प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम ये एडवर्टाइजर, मैं इसका फैब्रिकेटर, हमने फैब्रिकेशन किया है स्टॉल सारा, पूरा सेटअप हमने लगाया है गोल्डन पर्ल का। बहुत कूल लग रहा है, नो डाउट इसकी अप्रिसिएशन आपको ही जाती है। चलिए थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाकई गोल्डन पर रंग गोरा करने में काम आती है? बिल्कुल आती है, इसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, इसकी पूरी रेंज है, फेशियल रेंज है इसकी, इसकी आप बॉडी स्प्रे रेंज है, इसकी मुकम्मल रेंज है, इसकी आपकी स्किन केयर से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और हेयर केयर से। आप देखेंगे आपकी शायद 170 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, बट क्यों आपकी क्रीम ही ज़्यादा मशहूर है? असल में हमारा बेसिक जो प्रोडक्ट था वो क्रीम था, गोल्डन पर्ल का बेसिक प्रोडक्ट क्रीम तो पुराना प्रोडक्ट है, उसके बाकी ब्रांड ऐसे ऐसे इंजेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा कह लें कि सबसे पहला ब्रांड है और सबसे जो इस पर कंपनी खड़ी हुई है वो उसका क्रीम है। गोल्डन पर्ल आज तक कितनी लड़कियों को गोरा बना चुकी है? कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल है, तो ये तो लाखों में करोड़ों में चली जाएगी ये बात तो। मतलब ये 25 साल से गोरा कर रही है लोगों को, मतलब 25 साल से ये गोरा कर रही है और करोड़ों की तादाद में लड़कियाँ गोरी कर चुकी हैं। काली लड़कियाँ कम नजर आती हैं। ऐसा भी नहीं कि हर लड़की अब गोल्डन पर इस्तेमाल करती है, कुछ 70% तो ऐसी हुई है। अच्छा चलिए लड़कियों की तो आम बात है, लड़के कितने आते हैं स्टॉल पे और क्रीम खरीदने? बहुत आते हैं, इसमें मेल भी इसको बहुत यूज करते हैं, सिर्फ फीमेल्स नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट मेल के लिए भी है। जैसे कि हमारा मेन फेस वॉश है, क्रीम भी मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं, हमारे फेस वॉशेज सारे क्रीम मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे है हमारे, जबरदस्त हो गया। अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, मुझे ये बताएं कि आपके अंदर ऐसा हिडन टैलेंट जो अभी तक पब्लिकली किसी को नहीं पता? मैं तो ये काम कर सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर सकता हूँ, सबको पता है, उसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है। गाना गा लेती हूँ, पोइट्री कर, ऐसा कुछ नहीं आता। हमारे कैमरा मैन ने बताया कि आप गाना गाते हैं बहुत अच्छा। नहीं वो मुझे जानते ही नहीं है। अच्छा चलिए आपको मैं देती हूँ 1 मिनट, उसमें आपने गोल्डन पर्ल की एडवर्टाइजमेंट करनी है, लेकिन सीरियस अंदाज में नहीं, फनी वे में होनी चाहिए, ये तो आप कर सकते हैं ना? आप क्यों मुझे निकलवाएंगी गोल्डन पर्ल से? मैं आपको भी, आपने एडवर्टाइज ही करना है बट इन अ फनी वे। रोज रोज गोल्डन पर्ल लगाया करो और गोरे गोरे हो जाए। वैसे नॉट बैड, इट्स अ गुड और बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, टैगलाइन बन गई, रोज रोज गोल्डन पर्ल लगाया करो और गोरे हो जाया करो, नाइस। अच्छा मुझे बताएं कि कभी आपके घर पे कोई चीज गुम गई हो, उसको आपकी अम्मा ढूंढने में मदद करें, तो वो फनी वे में कैसी होती है? ऐसी, अच्छा ऐसी कभी इंसिडेंट हुआ नहीं है कि कोई चीज़ गुम हुई और अम्मा ने ढूंढ के दी हो, तो अम्मा ने ऑब्वियसली फिर आपको बताया कि आपकी अम्मा भी है। अम्मा भी है, क्या कहती हैं अम्मा मोस्टली? अम्मा तो फिर आपको बताया कि डांट के ही कहेंगी। क्या डायलॉग बोलती हैं वो? कैम ऑनर नहीं बोल सकता। बोल सकते हैं, मेरी अम्मा है वो कहती हैं कि मैं आई ना मैनू लभ गई उस चीज़ से, फिर ना कहना मैं। सेम वर्डिंग ही होती है, तेनू नज़र नहीं आता। तेनू नज़र नहीं आता, तो क्या आपको नज़र नहीं आता? बंदे कभी कभी सामने नज़र चीज़ पड़ी हो नज़र नहीं आती। क्या है कि माँ को नज़र एग्जैक्टली, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजह है? उनकी टेंशन टोटल घर की तरफ होती है, हमारी नहीं होती ना, हमारी टेंशन इधर उधर होती है, तो माओ की टेंशन हमेशा अपने बच्चों पे, घर की चीज़ों पे, घर में होती है, मुकम्मल केयरटेकर आपकी माँ होती है ना घर की, तो इसलिए उसको हर चीज़ पे नज़र होती है माँ की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। सो मच।